नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्टर नंबर 433 में बन रही बेसमेंट की दीवार गिरने से दीवार के नीचे 10 मजदूर नीचे दब गए। सुबह करीब 11 बजे जब मजदूर मिट्टी को बराबर कर रहे थे, तभी अचानक एक नई बनी दीवार मजदूरों के ऊपर गिर गई। तभी आसपास की फैक्ट्री के लोगों ने उन मजदूरों को दीवार के नीचे दबे हुए मजदूरों को निकाला और सेक्टर 6 हॉस्पिटल लेकर आए। घायल रवि कुमार 31 साल अभयपुर में रहते हैं और जिनके पैर में फ्रैक्चर आया है और कमर में भी चोट लगी है। प्रमोद कुमार 26 साल अभयपुर का पैर टूट गया है और सिर पर चोट लगी है। मिथिलेश 5 साल का पैर पूरा टूट गया है और सिर पर भी चोट लगी है। पिंकी 36 साल अभयपुर के पैर में चोट लगी है। रिंकी 27 साल सिर पर चोट लगी है जो अभयपुर में रहती है। ज्योति 23 साल जो कि गर्भवती थी जिसके मामूली चोट है। ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और पंचकुला में मजदूरी करके अपना लालन पालन करते हैं। सभी का इलाज सेक्टर हॉस्पिटल में चल रहा है। सेक्टर 19 के चौकी इंचार्ज सतिंदर नरवाल ने बताया कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जैसा होगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। क्या उम्र है? प्रमोद कुमार ना? हाँ जी। क्या उम्र है? 26 साल। 26 साल। हुआ क्या था उस टाइम और कितने बजे हुआ था? 11 बजे के आसपास हम नीचे ही काम कर रहे थे। दीवार के जस्ट नीचे ही बगल में दीवार उठी थी 8 फीट की हाइट, कम से कम 25-30 फीट का लंबा दीवार। वो काम करते करते पता नहीं कैसे गिरा, किसी को पता नहीं चला, सारे उसी में दब गए। कितने लोग दब गए? कितने मजदूर थे? हम लोग 9 मजदूर थे और बच्चे भी थे 3। आपके क्या क्या चोट लगी है? मेरे सर पैर टूटा है। पैर? पैर टूटा है। तो एम्बुलेंस आई थी? एम्बुलेंस से आए, कैसे आए आप लोग? वहीं की कंपनी की गाड़ी से लेकर आए। बच्चे को भी चोट लगी, इसको भी? इसको क्या हुआ है? इसका ही पैर फ्रैक्चर है। और कोई लेडी भी घायल हुई इसमें? दो लेडीज और एक बंदा और है जो उसको ज्यादा ही चोट लगा है। बच्चे का क्या नाम है? मिथिलेश। हैं? मिथिलेश। उसका ही पैर टूटा है जो ऊपर में है। बहुत चोट, सभी को बहुत चोट आया। क्या उम्र है इसकी? मिथिलेश की क्या उम्र है? 5 साल। तो कंपनी की तरफ से कोई आया? कंपनी मालिक की तरफ से कोई आया यहाँ पे? कौन है इसके? वो बाहर गए सामान। इसके पैर, इसका, इसके क्या हुआ? मिथिलेश के क्या हुआ? टूटा हुआ है। और सर में चोट आया। यहाँ अस्पताल में इलाज उलाज ठीक ठाक दे रहे हैं कि दिक्कत हुई यहाँ पे? देखिए सर, आप आज आए हैं, आज संडे है, इस चक्कर से हमारा प्लास्टर नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं कल होगा, कल होगा कह रहे हैं, क्योंकि आज संडे इसलिए बोल रहे हैं कल होगा कह के। तकलीफ तो है सर, क्या करें। सर ये जो कुछ आज अभयपुर इंडस्ट्री एरिया फेस 1 में जो दीवार गिरी थी, कुछ मजदूर घायल हुए थे, इनका क्या इलाज चल रहा है? सर कुल मिला के कितने आए थे मजदूर जिनको चोट लगी है? सर मॉर्निंग में 10 पेशेंट आए थे, 10 में से 4 एडमिट कर रखे हैं। तो इनका आज ये कह रहे हैं कि जी आज इतवार के दिन हमारा फ्रैक्चर का जो हुआ है, फ्रैक्चर को जो प्लास्टर चढ़ता है वो नहीं चढ़ पा रहा इनको। अभी तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, पहले टेस्ट वगैरह होते हैं उनके, उसके बाद ऑपरेटिव हो गया नॉन वो देखना पड़ेगा मॉर्निंग में। अभी जैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह कर रहे हैं उनको। ठीक। सुबह एक फैक्ट्री की सर बेसमेंट बनते हुए दीवार गिरी है, सर क्या मामला है सर? ये प्लॉट नंबर 433 फेज 1 पंचकुला में बेसमेंट जो है बन रही थी, जिसमें साइडों में जो दीवारें बनी हुई थी वहाँ मजदूर काम कर रहे थे और वो किसी वजह से आधी दीवार बनी हुई थी और वो स्पोर्ट ना होने के कारण गिर गई, जिससे मजदूरों को थोड़ी चोट आई है। बाकी आगे इसकी जाँच जारी है। सर कितने मजदूर घायल हुए हैं और क्या चोटें लगी हैं? 6 में लेके गए हैं सर? इसमें सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 में चले अभी उनको, मजदूरों को लेके गए हुए हैं और टोटल नंबर अभी पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा। आईओ को मैंने भेज रखा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।